हिरनी के जैसी आंखें हैं तेरी। आज हम लोग जाने वाले हैं ताज होटल और गेट ऑफ इंडिया, मुंबई का जो बहुत ही फेमस जगह है। तो वहाँ चलेंगे और वहाँ चलकर आपको दिखाते हैं कि वहाँ का व्यू कैसा होता है, वहाँ का सीन कैसा होता है। तो हम लोग नहा चुके हैं और ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। पूरा में आके मेरी रानी। अब यार हम लोग भाई आ जाते हैं मुंबई के रेलवे स्टेशन पे, जो कि बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे सभी मेट्रो लोकल ट्रेन जो चलती हैं और बहुत सारे यहाँ पे भीड़ दिखाई देखने को मिल रही है। यार काफ़ी हम लोग को इंजॉय भी यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखो भाई एक ट्रेन आ रही है और इसका यही स्टाफ है, ये आकर यहीं पर रुक जाएगी और हम लोग फिर चलते हैं टिकट लेने के लिए। अभी हमारे लाइन में खड़े हुए हैं टिकट लेने के लिए। और ये देखो भाई ब्री मुंबई महानगर पालिका लिखा हुआ है, इसका यह मुख्यालय है, यहाँ के इसका मेन मुख्यालय है, बहुत बड़ा मुख्यालय है भाई यहाँ का, जो कि जो लोग यहाँ पर साफ़ सफाई करते हैं उसका यह मुख्यालय बहुत बड़ा है। और इसके बगल में ये देखिए रेलवे स्टेशन जो कि मैं आप लोग को अभी दिखा चुका हूँ। और यहाँ का जो सीन है, लोग यहाँ से आते जाते हैं, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को मिलता है और एक लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम भी करता है। तो यहाँ का मुख्यालय है और सभी कहता है भाई यहाँ का मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ की सभी चीज़ों के मुख्यालय है, जैसे ये बैंकों का मुख्यालय और महानगर पालिका का मुख्यालय। अब भाई हम लोग रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और बाहर चलकर आपको दिखाते हैं वहाँ खूबसूरत नज़ारा। हम लोग एलिफेंटा जा रहे हैं और अभी हम लोग एलिफेंटा जाने वाले हैं और एलिफेंटा घूमने के लिए हम लोग ताज होटल के पास आए हैं। ताज होटल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है ताज होटल, और यहाँ पर एलिफेंटा आप जाएंगे पीछे समुद्र मार्ग बना हुआ है और समुद्र मार्ग के द्वारा हम लोग जाएंगे एलिफेंटा और पीछे से हम लोग एंट्री किए हैं और उधर से एक गेट भी है और यहाँ से समुद्री मार्ग है और यहाँ से हम लोग एलिफेंटा जाएंगे। तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, और यहाँ पे एंट्री गेट है और जो कहा जाता है कि ताज होटल यहाँ का बहुत ही महंगा होटल माना जाता है, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो चलते हैं आप लोग को पहले दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग एलिफेंटा आगे जा सकते हैं। कितनी भीड़ है यार, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए एलिफेंटा। और जहाज़ यार जो पीछे है कि आपको दिखाया जाएगा, जहाज़ यार बहुत झूम रही है इसलिए बहुत डर लग रहा है हम लोग जाने में, फिर भी चलेंगे और चल के तो आप लोग को जरूर दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा किस तरह से और कैसा है। ताज होटल और खूबसूरत लग रहा है यार, पीछे ताज होटल है बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए भाई एलिफेंटा जाने का ये समुद्री मार्ग का जो रास्ता है, यहाँ पे सभी जहाज़ें खड़ी रहती हैं और ये किस तरह से झूम रही हैं, देखिए जैसा लग रहा है शादी में अपना डांस दिखा रही हैं। तो ये सब जहाज़ इतना झूम रही है भाई कि सभी लोग इतना डर गए हैं कि पुलिस भी प्रशासन भी रोक दी है टिकट को और टिकट आप लोग को नहीं दिया जाएगा जब तक ये यहाँ पर समुद्री तूफान थम नहीं जाता। तो तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं, और पर वेट करने से कोई फ़ायदा तो था नहीं क्योंकि समुद्री मार्ग की लहर जो है वो हमेशा बढ़ती जाती थी, क्योंकि बारिश का समय है और बरसात में समुद्री मार्ग की लहरें हमेशा बढ़ती ही रहती हैं, कभी घटती नहीं है। दोस्तों हम लोग ताज होटल के पास हैं और यहाँ पे भी समुद्री लहरें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और वो इतना तेज़ी से समुद्री लहरें मार रहे हैं पानी की, यार सभी लोग भीग जा रहे हैं। और यहीं पर दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया है, जो कि बाहर का सबसे प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया माना जाता है, और यहाँ पे पास में ही ताज होटल भी है। और गेटवे ऑफ इंडिया के पास लोग अपना आकर फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और अपना एक ब्यूटीफुल नज़ारे का आनंद भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा भी हमें लग रहा है। और जो कि ये ताज होटल है भाई, ये इंडिया का सबसे ओल्ड होटल माना जाता है और सबसे महंगा होटल माना जाता है। इतना महंगा होटल है भाई कि यहाँ पर सब चाय भी नहीं पी सकते। तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एलिफेंटा जाने का मार्ग है, वो देखिए जो पहाड़ दिख रहा है समुद्र के बीच में, वो सभी जहाज़ के द्वारा आप एलिफेंटा जा सकते हैं। कहते हैं कि एलिफेंटा में 7 गुफाएं होती है जो कि बहुत ही फेमस हैं, पर समुद्री मार्ग के द्वारा जाया जा सकता है। इतना बरसात हो रही है भाई कि कैसे लोग जाएँगे। दोस्तों जो सामने दिख रहा है वही गेटवे ऑफ इंडिया है और उसी के द्वारा आप लोग जा सकते हैं एलिफेंटा। और हम लोग देखिए दोस्तों इधर आए हैं, जो LIC लिखा हुआ है इधर से हम लोग एंट्री किए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर भैया बोल रहे हैं कि फ़ोटो खिंचवाना हो तो 50 रुपये में आप खिंचवा सकते हैं, पर हम लोग को नहीं खिंचवाना है भाई, हम लोग तो मोबाइल में खुद ही खींचे हुए हैं। और इधर से जो जहाज़ें दिख रही हैं और इन्हीं जहाज़ों के द्वारा दोस्तों हम लोग एलिफेंटा जा सकते हैं। यहाँ जो बड़ी बड़ी जहाज़ें लगी हुई हैं वो एलिफेंटा ले जाने के लिए। एलिफेंटा का टिकट दोस्तों हम बता देते हैं आपको, 260 रुपये में एलिफेंटा का टिकट लगता है, पर इसमें बारिश होने के कारण इसमें बंद है। और भाई साहब ये लोग तो फ़ोटो खिंचवाने में बहुत व्यस्त हैं यार, ये मेरे बड़े भैया हैं, मौसी लड़के हैं, और यहाँ पे ताज होटल जो कि यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ताज होटल में भाई हम लोग का भी जाने का मन था यार, पर क्या करें इतना महंगा ये होटल है कि इसमें कोई कैसे जाएगा यार।
और भाई यहाँ पे बिल्डिंगें इतनी ऊँची ऊँची देखने को मिल रही है कि यार क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है यार भाई। और यहाँ पे बहुत हम लोग को इंजॉय आ रहा है, बहुत सारा इंजॉय आ रहा है। और अब चलते हैं, देखते हैं आगे दोस्तों होने वाला है क्या, कितना हम लोग इंजॉय कर पाते हैं। और सोच रहे हैं हम भी गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक फ़ोटो ले लें और उसके बाद कि कुछ नया आप लोग को सीन दिखाया जाए, जिससे आप लोग को काफ़ी आनंद मिले और अपना टाइम पास भी कर सके। अब हम लोग रूम पर आ गए हैं और अब थोड़ा सा आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा और दिखाया जाएगा कि किस तरह से यहाँ का नज़ारा कितना रोचक है। क्या पिंटू भाई? हाँ बोलो। अपना पिंटू भाई भी, हाँ इनका भी चैनल है VNS क्रिएटर के नाम से, सब्सक्राइब प्लीज़ दोस्तों।